एक मसीह व्यक्ति के दुख में होने का कारण एक बहुत बड़ा ये भी है। इन बातों को ध्यान से सुनना। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। ये वो बातें हैं जो एक मसीह व्यक्ति, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के कारण दूसरे दूसरे काम भी करते हैं, मतलब दो नावों में पैर रखते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये बातें कोई छोटी नहीं है, इनको हल्के में मत लेना। अगर ये बातें आपको नहीं पता है तो आज इनको जान लो कि आगे आने वाले टाइम में आपसे कोई गलतियां ना हो, ताकि आप सही बात का और परमेश्वर के वचन का, उसकी आज्ञा का चुनाव करो, ताकि परमेश्वर को अपने विरोध में ना करो। लिखा है यशाया पहली अध्याय में और उसकी 12वीं आयत में, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। मतलब एक तरफ हम विश्राम दिन का पालन कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रभु के आंगनों में भी आ रहे हैं उसकी आराधना प्रार्थना करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, धूप चढ़ा रहे हैं। मतलब किसी अन्य देवी देवता को धूप चढ़ा रहे हैं, या किसी की पूजा कर रहे हैं, या मतलब कोई अगरबत्ती धूपबत्ती चढ़ा रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी मनुष्य के लिए, किसी ईश्वर के लिए। और यहाँ लिखा है या नए चांद और विश्राम। नए चांद मतलब, नए चांद का मतलब है कि किसी नए चांद के पर्व को मानना। जैसे कहते हैं ना कि आज भाई चांद निकला है, आज करवा चौथ का व्रत है, और बहुत सारी ऐसी कई सारे ऐसे तीज और त्योहार हैं जिसके अंदर हम इन बड़े बड़े पर्वों को मानते थे जब हम अन्य जाति में थे, जब हम प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं करते थे, तो ये सारी चीजें हम करते थे। लेकिन प्रभु के पास आने के बाद ये सारी चीजें हमें नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर ने इसमें साफ कह दिया है कि नए चांद और विश्राम का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, मतलब अगर हम एक तरफ प्रभु के नाम पर भी विश्वास कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, विश्राम दिन का पालन कर रहे हैं, संडे संडे चर्च जा रहे हैं, या उसकी संगति करते हैं, उसकी आराधना और प्रार्थना करते हैं, उसका नाम लेते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम कोई नियत, कोई पर्व या कोई तीजों त्योहारों को, या कोई मूर्ति पूजा से रिलेटेड कोई पूजा पाठ का काम, या कोई हवन वगैरह, इन चीजों में अगर हम हाथ मिला रहे हैं, तो साफ बात है परमेश्वर को अपना विरोधी बना रहे हैं। इसमें परमेश्वर का वचन साफ कहता है और आगे लिखा है कि तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो अभी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो अभी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। मतलब परमेश्वर कह रहा है, आज तक जो भी तुमसे ऐसी गलतियां हुई हैं, जो तुमने पूजे पाठ किए हैं, जो तुमने तीज त्योहार को जो माना है, जो रस्में तुमने निभाई हैं अन्य जातियों में, जो पूजा पाठ को लेकर जो हवन वगैरह करे हैं, अगर आपने मसीह को जानने के बाद भी करा है, या किसी चीज में हाथ मिलाया है, या जाने अनजाने में आप चले भी गए, तो उस बात के लिए परमेश्वर कह रहा है, चल आ, तू मेरे पास आ, आज हम वाद विवाद करते हैं आपस में। परमेश्वर अब इसमें सलाह दे रहा है, बता रहा है, चुनाव रख रहा है। इसमें परमेश्वर आज्ञा भी देता है, एक तरीके से चुनाव भी रखता है हमारे सामने। परमेश्वर ने हमें आज्ञा ये दी है, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, अगर तुम ऐसे काम करोगे ना तो अभी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ने आज्ञा ये दी है कि अपने को धोकर पवित्र करो, परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भाई दूर करो, अगर तुम दूर करोगे उसके बाद ही मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, वरना तो मैं तुमसे अपना मुख फेर लूंगा, और मैं तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो अभी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हमें आज्ञा दी है परमेश्वर ने कि हमें अपने जीवन से बुरे कामों को दूर करना है, और भविष्य में बुराई करना छोड़ देना है, और भलाई करना है, और भविष्य में ऐसी बुराई करना छोड़ देना है। मतलब जो मूर्ति पूजा से रिलेटेड है, या कोई तीज त्योहार या हवन को लेकर, या कोई दान पुण्य को लेकर, या कोई भी ऐसा काम है जो एक मूर्ति पूजा को दिखाता है, जिसमें हम अपने परमेश्वर को दूसरे स्थान पर कर देते हैं, और दूसरे संसार के तीज त्योहार या मूर्ति पूजा या पूजा पाठ में या किसी हवन वगैरह में हाथ मिला देते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर कह रहा है, भाई भविष्य में तुम ऐसी बुराई करना छोड़ दो, अगर भलाई चाहते हो तो। आगे लिखा है, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति उपद्रव कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो तुम उसको सुधारो, और सुधार तो जब ही पाओगे ना जब तुम खुद सुधरे हुए होगे। तो परमेश्वर इसमें साफ कह रहा है, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। आगे लिखा है, परमेश्वर साफ कह रहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, मतलब बातचीत करते हैं। अब मैं परमेश्वर इसमें बातचीत करने का मौका दे रहा है,
इसने परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि ताकि हम अपनी गलती को सुधारें, उसके सामने मान लें और बुराई को छोड़ दें और सिर्फ उसी की ओर फिर जाएं। क्योंकि लिखा है कि मूर्ति पूजा से उसको घृणा आती है, नफरत है उसको, इन तीजों त्योहारों के पर्व से उसको नफरत है। अब एक उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ। अब एक औरत है, एक लड़की है, वो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। एक दिन करवा चौथ का व्रत है, बाकी हर दिन लड़ाई दंगा, गुस्सा, कुड़कुड़ाहट, पति को कोसना, बुराई करना, पति पत्नी के पीछे पड़ा हुआ है, पति बाहर मुंह मार रहा है, पति अपने पत्नी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर कहीं और जी रहा है, दूसरा रिलेशन बना लिया है, किसी दूसरे के घर में ताक झाक कर रहा है, और पति अपनी पत्नी के साथ गलत बर्ताव कर रहा है, पत्नी अपने पति के साथ गलत बर्ताव कर रही है, गाली गलौज कर रही है, दोष लगा रही है, बुराई कर रही है, कोर्ट केस करने वाली बातें हो रही है, तो क्या फायदा उस तीजो त्योहार का, क्या फायदा उस एक दिन के, उस मतलब जो ईद के चांद जब देखते हैं, चांद निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, आपको मालूम होगा कि भाई आज करवा चौथ का मैंने व्रत रखा है, मैं अपने पति को देखूंगी, उसकी आयु को लंबी करने के लिए मैं व्रत रखती हूँ और उसकी आयु लंबी होगी। अब सोच कर देखो, हम 364 दिन अपने पति को कोसते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं, उसकी बुराइयों का ढोल बजाते हैं, उस पर दोष लगाते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं, उस पर शक करते हैं, और मतलब पता नहीं कितनी सारी प्रकार की हमारे जीवन के अंदर ऐसी बुराइयां भरी रहती हैं जो हम अपने पति के साथ करते हैं। बहुत सी बातें हमसे सही नहीं जाती, अपने पति की अधीनता में नहीं रहते। कई कई बार तो ऐसा होता है पति सही चल रहा होता है और पत्नी कहीं बाहर गप्पे लड़ा रही होती है, या पत्नी कहीं दूसरे पति को ढूंढकर उसके साथ रिलेशन बना रही होती है, और कई कई बार ऐसा होता है कि पति कहीं और मतलब अपना ऐशमोज कर रहा होता है अपने बच्चों को और अपने पत्नी को उनके हाल पर छोड़कर। तो इसमें क्या फायदा उस एक दिन के व्रत से, क्या किसी की जिंदगी बदल रही है? आज इंसान की जिंदगी में इतना सारी समस्या क्यों है? क्योंकि सच्चे परमेश्वर को छोड़कर इंसान इन चीजों में लग गया। अगर इन चीजों से अगर इंसान को फायदा मिलना होता तो इतने सारे कोर्ट केस वगैरह नहीं होते। अगर इन शादियां करने के बाद अगर मनुष्य के अंदर परमेश्वर का डर होता तो आज एक पति की दो दो पत्नियां नहीं होती, एक पत्नी के दो दो पति नहीं होते, आज एक्स्ट्रा अफेयर्स नहीं चलते, आज एक आदमी अपने अपने घर के अंदर दो पत्नियों को नहीं रखता और दो दो तीन तीन पत्नियां नहीं रखता। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि ऐसा है इसलिए है क्योंकि मनुष्य के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। इंसान जो रीति रिवाजों में लग गया है वो सोचता है कि हाँ भाई रीति रिवाज है, पूजा पाठ कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, या दूसरे भी तो करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी तो कर रहे थे, लेकिन इस चीज के बारे में कभी ध्यान से सोचता भी नहीं कि इनसे मिला क्या है। नुकसान नुकसान और नुकसान, जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है, बीमारियां, तकलीफ और दुख दर्द, कोर्ट केस, घर परिवार टूटते हैं, इन चीजों से 1% भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब चीजों से मैं अनुभवी हूँ। और इनके साथ साथ तो ऐसा भी तुम्हें मालूम होगा कि जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए व्रत रखती हैं। अब सोच कर देखो, वचन में लिखा है कि अगर तूने किसी स्त्री के बारे में गलत सोच भी लिया तो पाप कर दिया। अगर कोई स्त्री किसी लड़के पर गलत नजर डालती है तो लड़की ने पाप कर दिया। सोचो, वचन में लिखा है जैसा तू सोचता है वैसा तू है, जैसी तू सोचती है वैसी तू है। सोचो, परमेश्वर ने एक ही रिश्ता बनाया है, पति और पत्नी का, उसके अलावा कोई और दूसरा रिश्ता है ही नहीं। लेकिन लड़का लड़की पति पत्नी को देखकर किस तरीके से, अब ये जवान लड़का लड़की को किसने सिखाया है कि भाई तुम करवा चौथ का व्रत रखो, तुम्हारे व्रत की आयु लंबी होगी। अब एक बात कहना चाहता हूँ, ये क्या ये व्यभिचार नहीं है? ये व्यभिचार है, व्यभिचार। लड़का लड़की करवा चौथ वाले दिन क्यों मिलते हैं? जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो भी क्यों मिलते हैं? आप सब जानते हो। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर इन बातों से नफरत करता है, उसको पता है ये सारे पाप के तरीके हैं, पाप के काम हैं, और इनसे इंसान और बंधनों में हो जाता है, और दुख और समस्या और कमी घटी बीमारी परेशानी में हो जाता है, जिससे परमेश्वर का दिल दुखता है। परमेश्वर का सबसे ज्यादा दिल इसलिए दुखता है कि परमेश्वर ने जिस मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, वो मनुष्य जाति अपने लिए खुद ऐसे तीजों त्योहारों को बना बैठी, जिसके कारण मनुष्य ने खुद को परमेश्वर से दूर कर लिया, उसकी आशीषों से दूर कर लिया, और खुद पाप में इतना लिप्त हो गई कि पाप में इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है, फिर दोबारा उसके बाद में जब बाद में दंड आता है, फिर दंड के कारण इंसान को मृत्यु का कौर होना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर को दुख होता है, इसलिए उसको बहुत इस बात का दुख होता है कि जिस मनुष्य जाति को मैंने अपने हाथों से बनाया, अपने रूप और स्वरूप अपनी समानता में रचा है, वो पाप करके नरक की ओर, अधोलोक की ओर जा रही थी। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि अधोलोक ने तो अपना मुंह बेपरिमाण पसार रखा है कि कब किसको निगल ले, और ये सब बातें परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन ये सब मनुष्य के खुद के चुनाव हैं। परमेश्वर तो बार बार मनुष्य को बोल बोलकर थक चुका है कि तुम मूर्ति पूजा ना करना, इन तीजों त्योहारों को मत मानना, तुम मेरे आगे धूपबत्ती मत जलाना, और ना ही तुम किसी के आगे धूपबत्ती जलाना, ना ही कोई नक्काशीदार पत्थर, ना ही कोई पत्थर मूर्ति, ना ही कोई लकड़ी, चाहे वो कोई जल का जीव हो, किसी की भी मूर्ति बनाकर उसके आगे दंडवत मत करना, उसकी पूजा मत करना, चाहे वो आकाश में हो, चाहे धरती पर हो, चाहे जल में हो, किसी प्रकार के जीव जंतु की पूजा मत करना, परमेश्वर ने साफ मना कर दिया है। तो आज परमेश्वर फिर से एक मौका देता है, लिखा है यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो अभी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अग्रवाणी कलर के क्यों ना हो तो अभी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, और तुम
यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे, यहोवा की यही वाणी है। तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौखा है। आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। परमेश्वर नहीं मारेगा, ध्यान रखना, परमेश्वर नहीं मारेगा। परमेश्वर कभी किसी की जान नहीं लेता है, वरन मनुष्य खुद ऐसे चुनाव करता है जिसके कारण उसकी मजदूरी मृत्यु होती है। लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मनुष्य मजदूरी में कमाता है, बीमारी को तकलीफ, दुख, कर्जा, गरीबी, घटी, कोर्ट केस, तलाक और भी ऐसी बीमारियां, तकलीफें, समस्याएं, ऐसे ऐसे कलेश मनुष्य खुद अपनी गलती के कारण, गलत चुनाव के कारण कमाता है। प्रभु को जानने के बाद भी आज एक मसीह व्यक्ति क्यों दुख में है, क्यों समस्या में है? क्यों? क्योंकि वो बंधनों में है। बंधन किस प्रकार के? जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है वो नहीं करा। आज्ञा क्या है? कि तुम मूर्ति पूजा ना करना, तुम इन तीजों त्योहारों के पर्व को ना मानना। लेकिन इंसान आज मनुष्य के दबाव में आकर मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि परमेश्वर को अपना बैरी बना लेता है कि यार वो ना बुरा मान जाए, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता बुरा ना मान जाए। अब ये नहीं सोचते हैं जो आज बुरा मान जाएगा क्या वो जिंदगी भर साथ देगा। अपने सच्चे परमेश्वर को, जो हमें जिंदगी भर साथ देने के लिए तैयार रहता है, जिसने हमें बीमारी से, कमी घटी, परेशानी से बचाया है, जो हमें छुड़ाता है, जो हमें मृत्यु से बचाता है, जो हमें नरक से अधोलोक से बचाएगा, उसको नहीं मानते हम, उस पर भरोसा नहीं रखते हैं, वरन उससे उसकी तरफ तो हम अपनी पीठ कर लेते हैं और संसार की तरफ अपना मुंह कर लेते हैं। लिखा है संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है। अब सोच कर देखो, परमेश्वर ने कहा है कि तू काठ से कहता है कि तू मेरा बाप है, और तू पत्थर से कहता है कि तूने मुझे जन्म दिया है। और परमेश्वर इसमें एक बात कहता है, अगर ठीक है तुझे उन्होंने जन्म दिया है, जब तुझ पर विपत्ति आ पड़ी थी तो वो कहाँ गए? अगर उनमें सामर्थ है तो वो अभी उठे, क्योंकि हे यहूदा तेरे नगर के बराबर तो तेरे देवता भी बहुत है। मतलब जितने नगर है ना उससे ज्यादा तो देवी देवता है, जितने नगर है तो उससे ज्यादा तो तेरे ईश्वर है। अगर उनमें सामर्थ है तो वो अभी उठे। खुदावन साफ कहता है कि कहा है भजन संहिता उसका 115वां अध्याय और उसकी 3री आयत से, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोना चांदी की ही होती हैं, वे तो मनुष्य के हाथों की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं वो देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। और आगे लिखा है, हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक, तुम्हारी ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। आप और मैं इज़राइल का घराना, हारून का घराना, आप और मैं परमेश्वर के इज़राइल हैं। वो हमें चेतावनी दे रहा है, वो हमें समझा भी रहा है। वो कहता है क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, जो उसका भय मानते, जो उससे डरते हैं, वे उन्हें आशीष देगा। परमेश्वर साफ कहता है इसके अंदर, लिखा है स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ मतलब यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। मृत्यु से बचाने वाला कौन है? वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब सोच कर देखो, जिस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने की सामर्थ्य रखी है, जो हमें नरक से बचा सकता है, अधोलोक से बचा सकता है, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, अगर हमने उसको अपना बैरी बना ली तो हमें बचाएगा कौन? आज हम जिस मनुष्य के फेवर में हो जाते हैं ना पल भर के लिए, चल वो मेरी बहन है राखी बांध देगी, या मैं चलो थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेता हूँ, थोड़ा पूजा पाठ कर लेता हूँ, थोड़ी देर तो बैठा हूँ, थोड़ी सी तो प्रसाद खाया, थोड़ा ही तो पूजा पाठ करा, थोड़ी देर तो बैठा था वन में, थोड़ा सा ही तो टीका लगाया, थोड़ा सी तो अगरबत्ती घुमाई है। शैतान भी स्टार्टिंग में छोटी सी मीठी गोली टॉफी देता है और उसके बाद उसका असर बाद में पता चलता है। फिर जिन लोगों के साथ आपने मेल मिलाप किया है, जिनके लिए आपने परमेश्वर को दूसरे स्थान पर कर दिया, जिनके लिए आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, ध्यान रखना, क्योंकि इन बातों का अनुभव हमारे पास भी है। क्योंकि जिनसे मेल मिलाप करने के लिए आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, अगर वो हट गए ना तो फिर आपकी मदद करने वाला कौन होगा? इस बात का अनुभव आपको खुद भी होगा। ध्यान रखना, ना तो वो मदद करेंगे जिनके लिए आपने परमेश्वर को छोड़ा है, ना तो वो मदद करेंगे जिनके लिए आपने पूजा पाठ करा है, जिनके साथ आपने मेल मिलाप रखा है, जिस संसार के लोगों के साथ आपने मतलब अपने आप को घोल मिलाकर रखा है और अपना परमेश्वर को बैरी बना लिया है। ध्यान रखना, अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया ना तो वो लोग भी छोड़ जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि ये इस बात का अनुभव हमारे पास में है।
क्योंकि साफ लिखा है कि देख दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। आज जिस यार दोस्त को, जिस परिवार, जिस फैमिली मेंबर, जिस रिलेटिव्स को अपना मेल मिलाप बढ़ाने के लिए जिसके साथ हम रहते हैं, चाहे कोई भी है, चाहे घर परिवार का व्यक्ति है, अगर हम उसके साथ मेल मिलाप बढ़ाने के लिए अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, तो उसका मतलब परमेश्वर को अपना बैरी बना रहे हैं और संसार से प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि आज इंसान है ना परमेश्वर की आज्ञा को इतना हल्के में लेता है, किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में घुस जाता है, किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में हाथ लगा देता है, किसी रीति रिवाज में हाथ लगा देता है, या कुछ भी पूजा पाठ का चढ़ा हुआ खा लेता है, या कोई हवन करा लेता है, या कोई हवन कर रहा है या करवा रहा है या उनमें शामिल हो रहे हैं, या किसी दूसरे किसी प्रकार की मूर्ति पूजा को करके या किसी की भी दूसरे उसकी ईश्वर की आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इस बात का अनुभव है हमारे पास, परमेश्वर इन बातों से नफरत करता है। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है, परमेश्वर इन चीजों से जी से बैर रखता है, क्योंकि उसने साफ कह दिया है जब तुम दुख में पड़े थे तो उसमें से कौन तुम्हें बचाने के लिए आया, उसमें से एक भी उठे। हम इतने सारे ईश्वर कहते हैं, कितनों ने बचाया। देखो एक बात कहना चाहता हूं, अगर भगवान में सच में ताकत है तो सबसे पहले उन लोगों को उठकर बचाए जो मंदिरों के बाहर पड़े हैं। एक बात कहना चाहता हूं, अपने चर्च के बाहर एक भी व्यक्ति को नहीं देखा होगा पड़ा हुआ लाचार बीमार कमी घटी परेशानी में, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मेरे पास आएगा उसको परमेश्वर अपने सीने से लगाएगा, उसके पाप क्षमा करेगा, उसको चंगा भी करेगा, उसको आशीष भी देगा। आपने हर एक नाम से भिखारी को भीख मांगते हुए देखा होगा, लेकिन यीशु मसीह के नाम से एक भी भिखारी नहीं मिल सकता कि मुझे यीशु के नाम से भीख दे दे, क्योंकि यीशु पर जो विश्वास करता है ना, यीशु उसको बहुत तेरी जाति को उधार देने वाला बनाता है। इस बात का भी मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। लेकिन उदाहरण के तौर पर, लेकिन कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों के लिए, कुछ मनुष्य के लिए, कुछ दोस्तों के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ फैमिली के लिए, अगर हमने थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ के लिए, थोड़े किसी प्रकार के कोई रीति रिवाज के लिए अगर हमने सोचा, चाहे थोड़ी देर कहते हैं राखी तो बनवा लेता हूं या पूजा तो कर लेता हूं, अगरबत्ती घुमा लेता हूं, थोड़े पल के लिए अगर हमने परमेश्वर को भी अपना बैरी बनाया ना, तो ये इसमें बहुत बड़ी भयानक बात है। परमेश्वर बचाने वाला अगर हट गया ना, तो बचाने वाला कोई और दूसरा दुनिया में है ही नहीं, बाकी सब मारने के लिए है। और जिसके लिए आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, ध्यान रखना वो भी नहीं बचा सकेगा, वो भी नहीं छोड़ सकेगा, वो भी नहीं मदद कर सकेगा, वो भी आशीष नहीं दे सकेगा, वो भी पाप क्षमा नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो भी मनुष्य ही है। और जिसके लिए हमने परमेश्वर को छोड़ दिया ना, वो इंसान जरूर छोड़कर जाएगा, ये 100% है। क्यों? क्योंकि ऐसी गवाहियां हमें बहुत सारी सुनने के लिए मिली हैं। लोगों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने, आदमियों ने अपनी गवाहियां रो रो कर दी हैं, शादीशुदा लोगों ने अपनी गवाहियां रो रो कर दी हैं कि हमने अपने लोगों के लिए परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे तीसरे त्योहारों में, दूसरे मूर्ति पूजा में, दूसरे पूजा पाठ में, दूसरे हवन वगैरह में लग गए। लेकिन जब उन लोगों जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया ना, तो फिर उन लोगों को ना, परमेश्वर के लोगों को फिर उन परिवार वालों ने भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको साफ पता है कि दूध पिलाने वाली माँ जब छोड़ सकती है, तो वो तो बहुत दूर वाली बात है, वो रिश्ता तो बहुत दूर रखता है। सोचो जब माँ छोड़ देती है, और परमेश्वर ने साफ कह दिया कि तुझे तेरी माँ छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अनुभव से इन बातों को बताना चाहता हूं कि कभी भी दो बातों का चुनाव, तो सदा परमेश्वर के वचन का चुनाव करना, और इन दो हाथों मतलब इन दो प्रकार के कामों में, दो नाव में पैर मत रखना, इन दो प्रकार के कामों में हाथ मत मिलाना, हमेशा नो ही करना। चाहे स्टार्टिंग में आपके लोग, चाहे कोई बुरा मान रहा था, लेकिन तरीके से प्यार से, सहनशीलता के साथ, दीनता नम्रता से उनको समझाना, उनको बोलना कि हमारा यीशु मूर्ति पूजा के इन रीति रिवाजों के विरुद्ध में है, उसको ये चीज पसंद नहीं है, ये इसके विरुद्ध में श्राप है, ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर इन चीजों से पसंद नहीं करता है, ना ही इन चीजों से प्रसन्न होता है। उदाहरण के तौर पर एक शॉर्ट में गवाही बताना चाहता हूं। एक बहन थी जो प्रभु से बहुत प्यार करती थी और प्रभु के साथ साथ चलती थी। उनका रिलेशन किसी लड़के से हुआ और स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चलता था कि हाँ भाई ये बंदा भी मसीह में आ जाएगा, ये भी विश्वास करेगा, और लड़का, उन दोनों के बीच में आपस में एक ऐसी सम्मति रहती थी कि भाई लड़का लड़की को नहीं टोक सकता यीशु मसीह को लेकर, विश्वास को लेकर। लेकिन जब उनकी शादी हो गई, तो लड़की ने पहला सा प्रेम छोड़ दिया जो परमेश्वर से वो करती थी। मतलब धीरे धीरे करके परमेश्वर की जगह पे उस लड़की की लाइफ में पति बनता जा रहा था पहले स्थान पर। तो ऐसा हुआ, उसका पति उसके विरोध में हो गया और उसने मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया। मतलब इतना दबाव में आ गई, जैसे उस लड़की ने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ दिया, उसकी आराधना करना छोड़ दिया, उसकी आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया, और उसने खुद के चुनाव किए, तो उसकी हालत आज ऐसी हो गई थी, मतलब वो कहीं की नहीं रही थी। कोर्ट केस, यहाँ तक कि पति ने भी उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। परिवार वाले ग्रैंड, अब ये नहीं पता परिवार वाले ग्रैंड कर रहे थे नहीं कर रहे थे, लेकिन उसका कोर्ट केस चल रहा था और आज भी वो आंसुओं में थी। लेकिन मेरे भाई और बहनों, इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इन बातों के बहुत सारे अनुभव है हमारे, हम लोगों के पास बहुत सारे अनुभव है। ये अनुभव आपके पास इसलिए शेयर किए जा रहे हैं कि आप
लोग इन चीजों को लेकर ठोकर ना खाओ, क्योंकि शैतान भी बड़े लुभावने तरीके से काम करता है। हमारे प्रियो के ज्यादा द्वारा शैतान ज्यादा काम करने की कोशिश करता था कि यार वो मेरी माँ है, यार मम्मी तो बोल रही है पूजा कर ले, अब चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने तो कहा है कि माता पिता क्या क्या का पालन करो, मम्मी कह रही है तो कर लेता हूँ। लेकिन मनुष्य ये नहीं सोचता है कि अगर कोई मनुष्य पाप करने के लिए कह रहा है, किसी का खून करने के लिए कह रहा है, तो खून थोड़ी ना कर देंगे। परमेश्वर हत्या से प्यार करता है, हथियारों से नफरत करता है। परमेश्वर का वचन अगर हम तोड़ रहे हैं, आज्ञा तोड़ रहे हैं, तो हम दो पल की खुशी के लिए हम बहुत लंबे समय के दुख को अपने जीवन में बुलावा दे रहे थे। शुरुआत में तो हमें लगता है मीठी गोली टॉफी है, चल भाई वो बुरा ना मान जाए, ये बुरा ना मान जाए, परिवार वाले बुरा ना मान जाए, पति बुरा ना मान जाए, लोग बुरा ना मान जाए, और कोई लोग ना कहने पाए कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, तीजो त्योहार छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया, और हमने अपने पूर्वजों को छोड़ दिया, कोई ये कहने ना पाए। हम सोचते कि दोनों तरफ नाव में तरीके से पैर रख के चले कि परमेश्वर भी प्रसन्न रहे और मनुष्य भी प्रसन्न रहे। ये बहुत बड़ी गलती है। इंसान दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। और अगर संसार से प्रेम किया तो परमेश्वर को अपना बैरी बना लिया। सोचो अगर परमेश्वर बैरी है और जिस संसार से अगर प्रेम किया, जिस दिन संसार विरोध में हो गया तो परमेश्वर भी नहीं बचा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले तो परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर को अपना बैरी बना लिया है, और संसार के कामों को और दूसरे मनुष्य को, अपने घर परिवार वालों को, अपने दूसरे रीति रिवाज के कामों को अपना प्रिय बना लिया है, तो इसमें परमेश्वर कहां से मदद कर पाएगा? ये मनुष्य के खुद के चुनाव है, इसमें परमेश्वर खुद कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य का खुद का चुनाव है। और लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर ने साफ कहा कि देख जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रख दी है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन का चुनाव किया, जब सामने आया आपके कोई चुनाव कि आपको पूजा पाठ करना है या प्रभु के साथ चलना है, तो उसमें आप अगर प्रभु का चुनाव करोगे तो जो लोग आपके विरुद्ध में थे ना, चाहे पल भर के लिए आपके विरुद्ध में हो, ध्यान रखना आने वाले टाइम में वो खुद आपसे प्रार्थना कराएंगे, वो आपके फेवर में होंगे। लेकिन जिस दिन आपने मनुष्य का चुनाव कर लिया, तो उस दिन आप परमेश्वर भी दूर है, और जिस मनुष्य का आपने चुनाव करा, जिस मनुष्य के फेवर में आप पल भर के लिए हो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन जब वो विरोध में होगा ना, तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। ऐसा लोगों के साथ हुआ था, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आपके लिए वचन पढ़ देता हूं। लिखा है यशाया पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर आज मौका दे रहा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो अभी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। मतलब पापों को हमें मान लेना है। प्रभु अब तक जो गलतियां हुई, जो पूजा पाठ की, जो रीति रिवाज किए, जो दूसरे कामों में हमने हाथ मिलाया या हाथ लगाया जाने और अनजाने में, या मूर्ति का चढ़ावा खाया या कोई हवन किया या करवाया, प्रभु घर परिवार में कोई भी ऐसा पूजा पाठ किया, हम किसी गंडे ताबीज वाले के पास गए या पूजा पाठ या पुजारी के पास गए या दंडवत किया किसी को भी, प्रभु हमें क्षमा कर दो। माफी मांगनी है आपको, अपने दिल से पश्चाताप करना है, तो ही परमेश्वर क्षमा करेगा। क्योंकि पहला स्टेप हमें ही उठाना है, पश्चाताप करना है, उसके बाद ही उसकी क्षमा आ पाएगी। लिखा है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो अभी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी कलर के हो तो अभी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश में उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, लिखा है बलवा करने वाले अचानक नष्ट हो जाते हैं, तो तलवार से मारे जाओगे, क्योंकि यहोवा का यही वचन है। इसमें परमेश्वर ने हमें साफ चेतावनी दे दी है, इसमें हमें चुनाव दिया है। और एक बात लिखा है, लिखा तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारे सिर घाव से भर गया है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं है। आरोग्यता मतलब सर से लेकर पांव तक कुछ ना कुछ रोग लगा हुआ है। और परमेश्वर इसमें बता रहा है, भाई तुम कब तक बलवा करते रहोगे, तुम अधिक मार क्यों खाना चाहते हो अपनी गलती के कारण। और आगे लिखा है केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए हैं, ना बांधे गए हैं, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजाड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निकल गए हैं। मतलब तुम्हारे खेत मतलब नौकरी बिजनेस, तुम्हारा धंधा रोजगार, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स के अंदर जो घटी समस्या या किसी प्रकार का कोई घटी का गंदा आत्मा है। घटी का गंदा आत्मा मतलब अगर शरीर के अंदर शरीर रूप में किसी भी प्रकार की चंगाई की घटी है या आशीष की घटी या बरकत की घटी आपके घर में, तो उस प्रकार की घटी को लेकर बात हो रही है। और भी कई प्रकार की है। लिखा है वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए, मतलब दूसरे लोग मनुष्य अगर आपके ऊपर अधिकार कर रहे हैं, अगर आपको दबा रहे हैं, अगर दूसरे मनुष्य आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपके ऊपर अधिकार कर रहे हैं, आपका धन छीन रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके ऊपर मतलब एक अधिकार जमा कर बैठे हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जिस गलती के कारण ऐसा हुआ है। वरना तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे, उन सबके रहने वालों के मन के अंदर मैं तुम्हारे कारण अपना भय समा दूंगा। सोच कर देखो कि जब परमेश्वर एक तरफ परमेश्वर कह रहा है कि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे, उन लोगों के मन में हमारे कारण भय समा देगा, लेकिन दूसरी तरफ जब हम अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, जब उसके इन आज्ञाओं को तोड़ते हैं,
परमेश्वर इसमें साफ कह रहा है कि देखो वे परदेशी द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़े हैं। मतलब परमेश्वर साफ कह रहा है कि जिनको जिनके अंदर मैं तुम्हारे कारण भय संवाद दूंगा, अगर वही उठकर मतलब अगर परमेश्वर के लोगों को परेशान करे तो फिर इंसान कैसे रह सकेगा। और उठकर परेशान करने का कारण सबसे बड़ा मनुष्य एक मसीह व्यक्ति खुद है, इसमें परमेश्वर नहीं है। देखो एक मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है 4 आयत में, हाय यह जाति पाप से कैसे भर गई है, यह समाज अधर्म से कैसा लगा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है, उन्होंने इसराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि यहाँ तक कि बाल बच्चे तक बिगड़ चुके हैं, बाल बच्चे अपने बाप की नहीं सुन रहे हैं, बाल बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं, खुद के चुनाव कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, गलत रिलेशन बना रहे हैं और अडल्टरी कर रहे हैं, कभी किसी को छेड़ रहे हैं, कभी नशा पत्ता कर रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। आज्ञा क्या है कि परमेश्वर ने कहा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, किसी को दंडवत मत करना, या तीजे त्यौहार में हाथ मत लगाना, मूर्ति का चढ़ावा मत खाना, और ना ही कोई पूजा पाठ में हाथ लगाना, ना ही कोई रीति रिवाजों में हाथ लगाना। ये परमेश्वर की आज्ञा है, हमें ये नहीं करना है। और परमेश्वर ने कहा है ना ही कोई चांद का पर्व हो, ना ही कोई धूप बत्ती जलाना, ना ही किसी चांद को दंडवत करना, ना ही सूर्य को, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। हमें बनाने वाले को धन्यवाद करना है। और परमेश्वर भी ये कहता है कि भाई तुम मेरी भी मूर्ति मत बनाना, परमेश्वर भी साफ कह रहा है तुम मेरी भी मूर्ति मत बनाना। अब जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन जिन लोगों को आज ये बातें पता चल चुकी है उनको समझना है, क्योंकि एक बार मूसा के समय में इसराइलियों ने भी एक मूर्ति बनाया था, बछड़ा बना लिया था, और परमेश्वर ने उस कारण उनको श्राप दिया था। इसलिए मेरे भाई और बहनों आपको बताना चाहता हूँ, और उसका दंड बड़ा खतरनाक था। किसी मनुष्य की ओर भी नहीं ताकना है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, या किसी गंडे ताबीज वाले के पास, या किसी पूजा पाठ वाले के पास, या किसी पीर फकीर के पास रह जाओ, वो कुछ तंत्र मंत्र कर देगा तो उससे हमारा कुछ फायदा हो जाएगा। नहीं, वचन में लिखा है यिर्मयाह 17वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी कभी भलाई ना देखेगा, वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। अब परमेश्वर साफ कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों के अनुसार फल दूं। तो परमेश्वर स्वयं इस चीज के अंदर हमें न्याय देता है, और न्याय से पहले वो हमें मौका भी देता है। अगर हम मन फिरा लेंगे तो उसका दंड हमारे ऊपर नहीं आएगा, वरन वो हमारे श्रापों को आशीष में बदल देगा, मृत्यु को जीवन में बदल देगा, बुराई को बदलाई में बदल देगा, और उस नुकसानों को भरपाई करके दे देगा। एक आखिरी वचन आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है सपन्या 1 अध्याय और उसकी 4वीं आयत में, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा। यहूदा और यरूशलेम के मतलब यरूशलेम में कौन है, यरूशलेम के लोग कौन है, वो है ये जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु को जान चुके हैं। और इसमें लिखा है कि हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। मतलब परमेश्वर खुद विरोध में हो गया है, तो बचाने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर बोल रहा है इसके अंदर कि देख, और इस स्थान में बाल के बचे हुए को, बाल मतलब किसी कोई मूर्ति है या पत्थर है या कोई भी ऐसा तीज त्योहार है जिसके अंदर हम किसी देवी देवता के आगे दंडवत कर रहे हैं, प्रभु को जानने के बात कर रहे हैं अगर ये सारे काम, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत बड़ी दुर्घटना वाली बात है, बहुत बड़ी समस्या वाली बात है, परमेश्वर को अपने विरोध में करने वाली बात है, बड़ी भयानक बात है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ लिखा है कि और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गढ़ों को दंडवत करते हैं, आकाश के गढ़ों को दंडवत मतलब कि चलो भाई छत पे चलो चांद देखने चलते हैं, ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है, परमेश्वर मना कर रहा है। इसमें साफ लिखा है कि जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गढ़ को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं, और जो लोग यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा है और ना उसकी खोज में लगे, उसका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। लिखा है परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है और यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहनुओं को पवित्र किया है। इसमें साफ लिखा है
उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो देवड़ी को लांगते और देवड़ी मतलब परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आज्ञाओं को लांगते, उसकी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, उसके बाड़े को अगर तोड़ देते हैं, लिखा है, और अपने स्वामियों के घर को उपद्रव से और छल से भर देते हैं। यहोवा की यह वाणी है। और आगे लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है, उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाकर चिल्लाहट का और नए टोले मसनहार में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाकों का शब्द होगा। हे मक्षेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए हैं, जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ-ढांड करूंगा, मतलब बहुत गहराई से परमेश्वर जांचेगा और परखेगा। लिखा है, और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा ना तो बुरा करेगा, तो लिखा है मैं उसको दंड दूंगा, तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे। वे दाख की बारी मतलब बिजनेस तो लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु ना पीने पाएंगे। दाख मधु मतलब उनकी बिजनेस की कमाई को नहीं ले पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाते हैं। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूल के समान और उनका मांस विष्ट के समान फेंक दिया जाएगा, मतलब उड़ेल दिया जाएगा। और आगे लिखा, यहोवा के रोष के दिन में मैं ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। मतलब आपको पता होगा इन बीमारी को चलते हुए लोगों का पैसा काम नहीं आया। यहाँ पर साफ लिखा है, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। परमेश्वर साफ कह रहा है, वचन में लिखा है, यहोवा के विरुद्ध में ना तो युक्ति चलती है, ना कोई योजना, ना ही बुद्धि, क्योंकि परमेश्वर सबसे तेज है, सबसे अगम है, सबसे शक्तिशाली है। वो यहोवा मनों को जांचता है, इसलिए वे आज चेतावनी देता है कि हमें अपनी बुरी आदतों से फिरना है और दूसरा उन रीति रिवाजों से बचकर रहना है। अगर आज चाहे आपके विरोध में चाहे परिवार वाले हो रहे थे, लेकिन ध्यान रखना आने वाले टाइम में वो फेवर में होंगे और तुम भी बचोगे पाप करने से, दंड से, और दूसरों को भी बचाओगे। चाहे भले ही थोड़ी पल के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए आपके लोग आपके विरोध में है, लेकिन आने वाले टाइम में वो फेवर में होंगे। ऐसा हमारे साथ हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन कभी भी परमेश्वर को छोड़कर उन मनुष्य का चुनाव मत करना। कुछ पल की खुशी के लिए पूजा पाठ इन गलत रीति रिवाजों में, तीजों त्योहारों में हाथ मत मिलाना, क्योंकि दो पल की खुशी के लिए, क्योंकि शैतान भी स्टार्टिंग में मीठी गोली टॉफी देता है, बड़े लुभावने तरीके से काम करता है, मन में ऐसी बातें डालता है कि वो ना बिखर जाए, वो बंदा बुरा ना मान जाए, माँ बुरा ना मान जाए, पति बुरा ना मान जाए, बच्चे बुरा ना मान जाए, लोग बुरा ना मान जाए। कि मतलब यही है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहते हैं और कहना बंद भी नहीं कर सकते वो, चाहे आप मसीह पर विश्वास करो या नहीं करो, लोग तो वैसे भी कहते रहते थे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, लेकिन अगर आपने उन मनुष्य का चुनाव कर लिया, कुछ पल की खुशी के लिए अगर उनके फेवर में हो गए, अगर संसार से प्रेम किया, तो परमेश्वर को अपना बैरी बनाने वाली बात है। अब सोचो, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।